मन में अगर कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। इसके लिए रोड़ा बने हर रास्ते भी आसान हो जाते हैं। और ये सब कर दिखाया है बालाघाट की डॉक्टर प्रज्ञा घरडे ने। इस वक्त पूरा देश कोरोना की महामारी की चपेट में है। इससे यात्री बसें, ट्रेन, सारे संसाधन बंद हैं। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के चलते हाहाकार मचा है और कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं जो तमाम मुश्किलों के बीच हौसला देती हैं, उम्मीद जगाती हैं। ऐसा ही एक वाक्य मध्य प्रदेश के बालाघाट से सामने आया है, जहां एक बेटी तमाम मुश्किलें पार करती हुई स्कूटी से अकेले ही 180 किलोमीटर का सफर तय कर महाराष्ट्र के नागपुर पहुंच गई और कोरोना संक्रमितों के इलाज में जुट गई। डॉक्टर प्रज्ञा घरडे बालाघाट मुख्यालय में बूढ़ी की रहने वाली है, जो नागपुर के सबसे बड़े कोविड सेंटर अस्पताल में अपने परिवार को छोड़कर कोविड अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में अपनी सेवा देती हैं। इसी बीच कोरोना का संक्रमण तेज हुआ। डॉक्टर प्रज्ञा घरडे छुट्टियों में अपने घर आई हुई थी। इसी बीच कोरोना का संक्रमण तेज हो गया और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आने जाने वाली बसों पर रोक लग गई। ट्रेन में उन्हें जगह नहीं मिल पाई तो प्रज्ञा ने स्कूटी से ही नागपुर जाने का फैसला कर लिया और लगातार 7 घंटे की स्कूटी चलाकर वो नागपुर पहुंच गई। प्रज्ञा ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाका होने के चलते परिवार के लोग उन्हें इस सफर से रोकने की कोशिश कर रहे थे। लॉकडाउन के चलते उन्हें रास्ते में खाने पीने को कुछ नहीं मिला। तेज धूप और गर्मी होने से मुश्किलें भी आई, लेकिन अपने कर्तव्य के रास्ते में उन्होंने इन समस्याओं को आड़े नहीं आने दिया। प्रज्ञा ने बताया कि वो नागपुर में एक कोविड सेंटर में आरएमओ के पद पर पदस्थ हैं। वो शाम को एक अन्य अस्पताल में भी मरीजों का इलाज करती हैं। इसके कारण उन्हें रोजाना 12 घंटे से ज्यादा समय तक पीपीई किट पहनकर काम करना पड़ता है। नागपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने का पता चला तो उन्होंने स्कूटी से ही वहाँ पहुँचने का फैसला कर लिया। उनका कहना है कि कोरोना महामारी में ये मेरा धर्म है, मेरे लिए घर परिवार से ज्यादा जरूरी राष्ट्रहित में कोविड-19 में सेवा देना है और राष्ट्रहित की सेवा करने में मैं आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। मेरी मेडिट्रीना अस्पताल में 6 घंटे की ड्यूटी होती है और शांति निकेतन अस्पताल में 6 घंटे यानी लगातार 12 घंटे की ड्यूटी, जिसमें हमें लगातार पीपी किट पहने रहना पड़ता है और एक बार अगर पीपी किट पहन ली तो उसके बाद उसे 12 घंटों तक उतार नहीं सकते और ना ही हम 12 घंटों तक कुछ खा पी सकते हैं। इन कठिन परिस्थितियों में यही हमारा कर्तव्य है और आज मेरे लिए मेरे कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्र सेवा के रूप में संक्रमित मरीजों के इलाज में अपनी सेवा देने में तत्पर होने पर उसके परिवार एवं शहर के लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस बेटी की जमकर तारीफ की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बाकायदा इसके लिए ट्वीट किया और लिखा, शाबाश डॉक्टर प्रज्ञा, आपदा की इस घड़ी में मरीजों के प्रति अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए प्रदेश की काबिल बिटिया डॉक्टर प्रज्ञा घरडे का हौसला और प्रयास प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, यानी कि हर तरफ से उनकी तारीफ हो रही है और वाकई नागपुर की इस बेटी को सलाम है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।